Good morning, class 3rd. This is your computer class and here is your book. And your book name is TouchPad Computer Series. Okay? So take out your book. And today we are going to start our new chapter, that is chapter 2. Okay, so we have already completed our chapter number 1. All the question and answer, all the explanation of chapter 1. So now we are going to start our new chapter number 2, computer software, which is given on page number 17. So open your book and let's start and open page number 17. And here is your page number 17, where your chapter number 2 is started. I'm waiting. Just open page number 17. So here is your chapter number 2 and the name of chapter is computer software. Okay, जिसमें हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एक कंप्यूटर प्रणाली में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं. कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, जिसके बारे में हमें आज स्टडी करना है. सो हमारा टॉपिक है हार्डवेयर. द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर के जिन हिस्से को हम छू सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. ओके, कंप्यूटर के जिन हिस्से को हम टच कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर. ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर, स्कैनर, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी आर हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. ओके, सभी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, प्रिंटर, स्कैनर, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है. ओके, कंप्यूटर के ये क्या है? हार्डवेयर पार्ट्स है, क्योंकि इसे हम टच कर सकते हैं, इसे हम छू सकते हैं. ओके, सम हार्डवेयर पार्ट्स आर इनसाइड द सीपीयू बॉक्स सच एज हार्ड डिस्क एंड सीपीयू. हार्डवेयर पार्ट्स, कुछ हार्डवेयर पार्ट्स सीपीयू बॉक्स के अंदर होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क और सीपीयू. ओके, बुक में फिगर देखिए आप लोग, ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है, इसे हम टच कर सकते हैं. ओके, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है. ओके, टर्न योर पेज. क्लिकपीडिया क्या है? इंटेल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इंटेल क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेसर निर्माण कंपनी में से एक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर क्या है? पहले ये जान लेते हैं.
जिसे हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर में क्या था? हार्डवेयर में कंप्यूटर के जिन पार्ट को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिन्हें हम छू नहीं सकते। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर हार्डवेयर अपने आप काम नहीं कर सकता। इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क। इसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। ओके इसे निर्देशों की आवश्यकता है कार्य को करने के लिए। ओके दीज स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। इन चरण को स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहा जाता है। इन निर्देशों को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट देने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमें कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट देने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोसेस द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट। ओके यह कंप्यूटर हार्डवेयर को इनपुट को प्रोसेस करने और आउटपुट के बदले में हमें मदद करता है। हेंस इसलिए ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके इसलिए एक सॉफ्टवेयर निर्देशों का क्या है? एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशिष्ट कार्य को कैसे किया जाए। द गेम्स यू प्ले ऑन ए कंप्यूटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पे आपके द्वारा जो गेम खेले जाते हैं वो क्या है? सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कैसे? क्योंकि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। एक सॉफ्टवेयर क्या करता है? निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है। फिर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशिष्ट कार्य को कैसे किया जाए। और कंप्यूटर पर आपके द्वारा जो गेम हम लोग खेलते हैं क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सॉफ्टवेयर जाके कंप्यूटर को बताता है और हमें आउटपुट मिलता है। हमें गेम खेलना है ये कंप्यूटर को कैसे पता होगा? हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। वो कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है, उसे बताता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमें कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट देने में मदद करता है। ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और उदाहरण देखते हैं। यू परचेज ए मूवी डीवीडी। आप मूवी डीवीडी खरीदते हैं। यू कैन टच एंड होल्ड द डीवीडी। आप डीवीडी को टच और होल्ड कर सकते हैं। सो ये क्या है? हार्डवेयर है। बट यू कैन नॉट टच द मूवी स्टोर्ड इन इट। लेकिन आप इसके अंदर जो मूवी स्टोर है उसे आप नहीं छू सकते हैं। सो द डीवीडी इज द हार्डवेयर। डीवीडी क्या है? हार्डवेयर है। एंड द मूवी इन इट, और जो उसके अंदर मूवी है वो क्या है? इज द सॉफ्टवेयर। ओके नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम।
सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या है, संपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है. ओके, सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक ए मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के प्रबंधक की तरह है. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रबंधक की तरह है जो मैनेज करता है पूरा काम. जो कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटीज, पूरे एक्टिविटीज को क्या करता है, उसे नियंत्रित करता है और मैनेज करता है. द मेन जॉब ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यू टू वर्क एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य काम आपके लिए कंप्यूटर को तैयार करना है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टूडे. माइक्रोसॉफ्ट विंडो आज क्या है, उपलब्ध सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट हैज डिफरेंट वर्जन्स लाइक विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10. ओके, इसके अलग अलग वर्जन है, कौन कौन से, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10. ओके, बुक में देखिए आप लोग, यहाँ पे विंडोज 7 है और ये क्या है, विंडोज 10 है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है, एक ड्राइवर के बिना जैसे एक कार होती है, वैसे ही कंप्यूटर क्या है, जैसे ड्राइवर के बिना कार होती है, वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर है. ओके, द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक्स द कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर थ्रू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के काम को भी नियंत्रित करता है और बनाता है. कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो उपयोग करता है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है, समझता है. ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के काम को भी नियंत्रित करता है और बनाता है. कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए जो निर्देश है उसको क्या करता है, समझता है. नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, प्रदर्शन करने में ये मदद करता है. ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें एक विशिष्ट प्रकार का प्रदर्शन करने में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स इन पेंट सॉफ्टवेयर बट यू कैन नॉट प्ले ए मूवी और सॉन्ग इन इट. एग्जाम्पल क्या है, आप पेंट सॉफ्टवेयर में चित्र खींचते हैं और उसमें रंग देते हैं, उसे रंग देते हैं, लेकिन आप इसमें मूवी या गाना नहीं चला सकते. ओके, आप उसमें क्या कर सकते हैं, चित्र खींच सकते हैं और रंग सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, बट उसमें आप मूवी या गाना नहीं चला सकते. टर्न योर पेज
play a song, you need to run the Windows Media Player, which is another software especially designed to play movies and songs. Okay? एक गाना बजाने के लिए आपको विंडोज मीडिया प्लेयर चलाने की जरूरत होती है, जो क्या है, एक अलग सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर, जो विशेष रूप से फिल्मों और सॉन्ग को चलाने के लिए डिजाइन किया गया एक अन्य सॉफ्टवेयर है. ओके, उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मूवीज और सॉन्ग प्ले कर सकते हैं. ओके, विंडोज मीडिया प्लेयर ये क्या है, एक अन्य सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से मूवी और सॉन्ग को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है. हेंस पेंट एंड विंडोज मीडिया प्लेयर आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसलिए पेंट और विंडोज मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है. सम अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, कुछ अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो है, एमएस वर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, एप्लीकेशन, आर्टिकल्स एंड एसेज. ओके, एमएस वर्ड का यूज किस लिए करते हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस और निबंध, आर्टिकल एंड ऐसे लिखने के लिए किया जाता है. ओके, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, एमएस पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन. एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. Adobe Photoshop is used for creating and editing photos and designs. Adobe Photoshop का उपयोग फोटो को एडिटिंग करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए हम करते हैं. ओके, फोटो में एडिटिंग और डिजाइन बनाने के लिए करते हैं. ये सब है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो आज मैंने एक्सप्लेन करा दिया. सो इसे आप लोग रीड कीजिए. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जाना. हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के जो पार्ट हम छू सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर है. और कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम नहीं छू सकते, जो उसके अंदर होता है, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जाना, जिसमें मेनली कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो इसे आप लोग एटलीस्ट 2 टाइम रीड कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, और आज की हमारी क्लास ही ओवर होती है. थैंक यू.